फाइनली अपन लोगों का चिकन यहाँ पर बन चुका है समझ गया। और यहाँ पर निकल रहे हैं अपने चावल बन के जो रेडी हो चुके हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राज और मैं स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। जैसा कि अभी मैं खड़ा हूं घाटी गांव हाईवे के पास और आज हम जा रहे हैं सुल्तानगढ़। और आज हम लोग बाइक वगैरह कुछ नहीं लेके आए, आज हमारी सफ़र है सफारी से। और अपने अंकित भाई लोग गए हैं वहां पर सामान लेने, क्योंकि आज हम कुछ बनाएंगे भी। इतना अच्छा सफ़र रहेगा आज हमारा सुल्तानगढ़ का, लेने गए हैं और वो लेके आते हैं। और जब तक अपन यहाँ अपनी कार के पास खड़े हैं और क्योंकि वो सामान लेने गए हैं और सामान लेके आते हैं, फिर चलते हैं अपन आगे की ओर और अपने सफ़र इन्जॉय करेंगे आज अपन। और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसा क्या सुल्तानगढ़ का व्यू है और झरना वगैरह बह रहा है या नहीं, वो चल के आप लोगों को वहीं पर बताएंगे। अभी हम लोग भूल चुके हैं पत्तले, जो पत्तले राज भाई और मैं लेने आए हैं। इन दो पत्तल मिलती है तो ठीक, वरना आज हमको लोगों को पत्थर पे ही बैठ के खाना पड़ेगा। चलो लेते हैं पत्तले, फिर मिलते हैं। अपन लोग आए थे यहाँ पर पानी भरने के लिए और अपन लोगों को शुद्ध बोरिंग मिल चुकी है पानी के लिए, जो कि अभी हम लोगों ने भैया से क्या क्या चालू करवा दी, उन लोगों ने चालू भी कर दी थी। सकते हो आप लोग, पानी भरा जा रहा है यहाँ से, बहुत अच्छा पानी है, बोरिंग का ले रहे हैं हम लोग। और चलते हैं पानी भर के, फिर खाने पीने बनाने में काम आएगा अब हमारे ये पानी। पहले तेज चलो किसने, पुलिस वालों ने, वो क्या चीज है उधर, जानवर है कोई, पौधा है। अब यहाँ से आगे चलेगी अपनी ऑफ रोडिंग, क्योंकि रास्ता पक्की सड़क नहीं है और ऐसे ही गड्ढे गुड्ढे हैं। और ऑफ रोडिंग करते हुए अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से, क्योंकि सामने की तरफ बदल हो चुके हैं, देखते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, काफ़ी सारे सूखे सूखे पेड़ जो कि लगे हुए हैं, बरसात के टाइम पे हरे भरे हो जाते हैं। बहुत ही शानदार पेड़ लगे हुए हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज हमें यहाँ पर आकर, और आप लोगों को दिखाएंगे सुल्तानगढ़ का वाटरफॉल कैसा क्या है। आज मैं पहली बार जा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक गड्ढा है और इस गड्ढे में भरा है पानी। इधर से हमको निकालने अपनी कार, देखते हैं निकल पाएगी या नहीं या फंस जाएगी, वो तो अभी पता चलेगा। ये पानी में गड्ढे में अपनी गाड़ी गई और जेल निकल के आ गई बाहर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तानगढ़ वाटरफॉल, बहुत ही शानदार जगह है, एक बार को बोला जाए तो जन्नत है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। शायद है तिगरा डैम वगैरह सब जगह घूमे आए, वहाँ भी ऐसा मज़ा नहीं है जहाँ सुल्तानगढ़ वाटरफॉल है। और अपन लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है इधर, और अपने भाई लोग हैं उधर। और चलो आप लोगों को दिखाते हैं सुल्तानगढ़ वाटरफॉल का नज़ारा कितना अच्छा है। और अब गर्मी चालू हो चुकी है तो आ सकते हो आप लोग भी यहाँ पर। अभी हम लोग कुछ खाना पीना बनाएंगे और वो भी आप लोगों को बताते हैं, और जब तक अपन इस वाटरफॉल का मज़ा लेते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, आप लोग बने रहें वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी शानदार झरना बह रहा है, और यहाँ बहुत बड़ा झरना है यहाँ पर। और अभी अपन लोग चलते हैं पास में, वहाँ से भी आप लोगों को दिखाएंगे कैसा क्या नज़ारा है, कितना मज़ा आएगा। कमनी भाई, मज़ा आ रहा है क्या? नहीं आज बहुत बढ़िया, आज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और खाएंगे फिर देखते हैं। कुछ इस तरीके का नज़ारा है, बहुत ही शानदार दिख रहा है यहाँ से, आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग भी देख के दिल खुश हो गया होगा। आज बहुत ही शानदार नज़ारा लग रहा है। और अपन लोग चलते हैं अपने खाने पीने की पिकनिक की तैयारी करते हैं, बनाते हैं खाते हैं, फिर इंजॉय करेंगे अपन इस झरने का। फाइनली कुछ इस तरीके का नज़ारा है झरने का, और काफ़ी शानदार लग रहा है। मैं थोड़ी सी करीब जाऊँगा, ज़्यादा नहीं जाऊँगा, और आप लोगों को दिखा सकता हूँ। देख सकते हो आप लोग बहुत ही शानदार पानी जो कि ऊपर से आ रहा है वहाँ से, और उधर से आके इधर मिल रहा है। इसमें काफ़ी गहरा भी है जी, और आप लोग देख सकते हो बहुत ही मज़ा आ गया। अब अपन लोग चलते हैं अपने खाने पीने की बनाने की तैयारी करते हैं,
और चलते हैं। चूल्हा बन के तैयार है और आग लग चुकी है। इसमें बर्तन चढ़ा दिया है और अपना आधा सामान कट रहा है और अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये खड़े हमारे डेविड भाई, वहाँ रोनसन सर चूल्हे में दोबारा आग लगा रहे हैं, बुझ गई है। और यहाँ पर हमारे दोनों भाइयों ने शुरुआत कर दी है, एक ने प्याज काट रहा है, एक छील रहा है और ये मक्कारी कर रहा है, यहाँ पर बैठा है। इसको अभी मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाऊंगा, वो रखी है मेरी कोल्ड ड्रिंक, इसको नहीं पिलाऊंगा। और अभी तैयारी है, चलो कट लिए फिर पता। यहाँ पर ग्रेवी तैयार हो रही है और यहाँ पर अपने डेविड भाई बना रहे हैं। धन्यवाद। पप्पन भैया नहीं आ रहे तो इनको सौंप दिया गया है। पप्पन भैया ने मेरे को बावर्ची बना दिया है, मैं काफी हद तक सीख चुका हूँ और इस गलती का फायदा घर में खाने को मिलता है। एक बोतल खाली हुई थी यार कोल्ड ड्रिंक। अपनी चिकन और इसमें मसाले में जा रही है और मसाला अपना तैयार हो चुका है और चिकन डालने की देरी है और फिर थोड़ी सी देर में चिकन अपना बन के तैयार हो जाएगा, फिर अपन लोग खाएंगे। ये भैया ने बंद कर दिया, डेविड भैया ने खाना, क्योंकि अभी इनकी तबीयत खराब चल रही है, तो इनके लिए स्पेशल ये अंडे रखे हैं। हमारा चिकन थोड़ी देर में बन के उतर जाएगा। कौन डेविड भाई, बस हो गया रेडी? भाई रेडी हो गया, थोड़ा 5 मिनट और पकेगा क्योंकि अभी इसमें पानी डाला है, वो पकेगा फिर उसके बाद उतर। फाइनली अपन लोगों का चिकन यहाँ पर बन चुका है और अभी उतरने की बारी है और इसमें अंडे भी डाल दिए। वाह, अरे वो आज चिकन कुछ अलग ही लगेगा। इसमें क्या बुराई है फिर? रख दिया अंदर। यहाँ पर अपन बनाने जा रहे हैं चावल, लेना खाना खा लो, चिकन ले लो। और पानी और थोड़ा और देना भैया। बहुत ही आप लोग यहाँ से देख सकते हो काफ़ी शानदार पानी गिर रहा है झरने का। आप लोग क्लोजअप शॉट लेके दिखाते हैं, देख सकते हो आप लोग। और ये पानी आ रहा है अपना जैसे कि वहाँ से ऊपर से, बहुत ही ठंडा पानी है। अभी हम लोग उसके पास जाएंगे, पानी के पास, और यहाँ पर काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है, बहुत ही दूर तक पानी जा रहा है, उधर तक ऊपर डैम है उधर से आ रहा है। और अभी अपन चलते हैं पानी के पास, इधर से उतरेंगे अपन। और डेविड भैया अभी आ रहे हैं अपने, वो कुछ सामान लेने गए हैं और चलते अपन नीचे की। ओ वापस कुछ इस तरीके से हम लोग आ चुके हैं पानी के पास में। और पानी के पास में आने के बाद आप लोगों को पानी का साउंड जो भी आ रहा होगा, बहुत ही तेज पानी गिर रहा है ऊपर से और खतरनाक भी लग रहा है। अपन लोग पास जाके देखते हैं और आप लोगों को पानी का साउंड सुनाते और पानी दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से पानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है आप लोग। ओ बहुत ही ठंडा पानी है, आप लोग देख सकते हो पानी की स्पीड ही काफ़ी ज़्यादा है। जो इस तरीके से शानदार नज़ारा बना रही है, थे हम लोग ऊपर की ओर। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर। वो दो भागों में झरना बह रहा है, वो छोटा वाला है और आप लोगों को इधर से नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करें और वहाँ से दिखाएंगे आप लोगों को बड़ा वाटरफॉल। चलो आगे जा रहे हैं अपने डेविड भाई और उनके पीछे जा रहे हैं हम। और यहाँ पर किसी तरह से आराम आराम से चल रहे हैं, देख बार कर। नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके की चट्टानें मिलेंगी आप लोगों को और सामने मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। कबूतर के बच्चे रखे हैं वहाँ पर, वो निकला था अभी कबूतर वहाँ से, वो बच्चे लिखे रखे हैं वहाँ पर। और अब अपने डेविड भाई लगे हैं वीडियो बनाने के लिए और ये आप लोग सुन ही सकते हो झरने का साउंड कुछ इस तरीके से आ रहा है। और मैं जाऊँगा इधर से, रिक्स नहीं लूँगा। और हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो बना ली हैं यहाँ पर, मैंने और मेरे भाई डेविड भाई ने और अपने सारे भाई लोग। वहाँ पर खाना बनना है वहाँ पर है, क्योंकि हम दोनों भाई आए थे यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए, हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं हम खाना वाना खाएंगे, काफ़ी समय हो चुका है तो अपन लोग चलते हैं खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। अपन लोगों का खाना बन के तैयार हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, बोतल भी है खाना भी है। और झरने के पास में बैठ के खाएंगे और मज़े लेंगे। अपने भाई लोगों को कुछ मिल गया है वहाँ पर तो अपन निकल लें अपने चावल बनके जो रेडी हो चुके हैं। और निकाल लें अपने राजभाई चावल अपने लिए, थोड़े और निकाल राजभाई, और निकालो मेरा है। और डेविड भाई कैसा लग रहा खाना? एक नंबर, मजा आ गया, मजा आ गया। राजभाई इंतजार में है। और यहाँ पर अपन को एक अंडा मिला है बस, चिकन नहीं दे रहे जी आज। ओ रंजन सर चिकन दो यार। नहीं, जो अंडा लिया उन्हें चिकन नहीं मिलेगा।
अच्छा ऐसा है, जब तुमने अंडा खत्म कर दिया तो चिकन कहाँ से बनेगा बताओ मुझे। चलो ठीक है, खाना वाना हो चुका है और अब निकलते अपन अपने घर की ओर, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। और अगर आप लोगों को वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।